हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो स्टार्टिंग से वीडियो देखते हैं मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे हूँ। गंदा बड़ा रूम भाई। आज अभी उठा हूँ, मैंने बोला था ना कल सुबह उठते ही व्लॉग बनाऊँ, आज ऐसे ही उठूंगा। उठाऊँ रात को एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर ली थी, बस अब नहाने के लिए जा रहा हूँ मैं। आज एक जबरदस्त एक्टिविटी है वो देखेंगे, थोड़ी हाइट से करेंगे, बने रहना वीडियो में, ठीक है? तो चलो चलते हैं भाई। नहा धो के मैंने भगवद्गीता रीड कर लिया। मेरा ना यार हल्का हल्का सा ना सर घूम रहा, कहते ना मट्ठा मट्ठा सा, पता नहीं क्यों ये एडिटिंग की वजह से घूम रहा है या क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों घूम रहा है। कल भी घूम रहा था ऐसे ऐसे, ये रात को सोने नहीं देते, इतनी तेज तेज आवाज़ें आती हैं। कुछ करना पड़ेगा, मेरी नज़रें तो नहीं कमज़ोर होगी, पता नहीं यार क्या होगा। चलो देखते हैं, अभी हम निकल रहे हैं बस आधे घंटे में। एक एक्टिविटी हमने बुक की है जस्ट अभी बैठ के यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल ही पास है, 5 मिनट का डिस्टेंस है। क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से मीना बाज़ार बहुत पास है, यहाँ से फ्रेम बहुत पास है, यहाँ से बुर्ज खलीफा बहुत पास है। तो बस अभी हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के पास। बुर्ज खलीफा के यहाँ से रास्ता मैक्स टू मैक्स है 15 मिनट, अगर जाम मिले तो। अगर जाम ना मिले तो 5 से 6 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो यार मैंने आपको अपनी एक्टिविटी तो बताई नहीं आज मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं एज वॉक करने, बहुत हाइट पे होगा, बिल्डिंग के किनारे पे चलेंगे। निकलते हैं, अब साइंस विन भी करने हैं ना उनके, कि भाई अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी जिंदगी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। चलो, गाड़ी के ऊपर कुत्ते नहीं बैठते हैं, बिल्लियां बैठती हैं। अभी देखा मैंने उसके ऊपर बैठी हुई थी, बना नहीं पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। बस निकल रहे हैं हम यहाँ से, हम अभी क्रॉस कर रहे हैं फ्रेम। देखो यार ये है बुर्ज खलीफा और हमने जाना है इस वाली बिल्डिंग में, ये शिप तरह दिख रही है ना, इसमें जाना है। यहाँ पे एज वॉक करेंगे, देखो वो दिख रहा है आपको, वो एज वॉक कर रहे हैं, वहाँ पे जाना है हमने, और दिख रहा है ना यहाँ जाना है अभी हमने। भाई पहुँच गए इस बिल्डिंग में, टिकट मिल गया, बस अब हम जा रहे हैं यहाँ से जल्दी जल्दी जल्दी। चलो क्या व्यू आता है, हमसे पहले भी काफ़ी लोग हैं। बाद ये है 53 53, उसके बाद ये व्यू है यहाँ से, स्पीड देख रहे हो कैसे जा रही है, पता नहीं लगता कब पहुंच गई। देखो इतनी में देर में ही 20 फ्लोर क्रॉस कर चुकी है, 23। ये मिला है अभी फॉर्म फिल करने के लिए, इसमें फिल करना है टोटली सारा का सारा फॉर्म। भाई ये जो फॉर्म है ना इसमें लिखा हुआ है कि हम जिम्मेवार नहीं होंगे, आप अपनी मर्जी से अंदर जा रहे हो, कोई भी हैपनिंग होती है तो उसके जिम्मेवार आप खुद हो गए। डर लग रहा है ना। चलो फॉर्म फिल कर दिया, भर चलते हैं भाई। एक्चुअली जो हमारा बैच है ना वो है 6:20 का, तो वो कह रहे हैं अगर 5:30 बजे करना हो तो आपको आना चाहिए था 5:45 बजे, कह रहे अब आपका आएगा 6:20 का। तो चलो जैसा भी आएगी लाइटिंग ऊपर देख लेना, लेकिन अभी हम स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड किया हमने, कुछ इतना खास मजा नहीं आया मेरे को, लगा पता नहीं कुछ एडवेंचर होगा यार, मतलब ठीक है एक्सपीरियंस अच्छा था। अभी हम जा रहे हैं ग्लास वॉक करने के लिए, क्योंकि हम टाइम स्पेंड कर लेंगे ना अपना, और जो ये जो एज वॉक के बुक करते हैं ना उसके लिए ये दो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, ग्लास वॉक और ये स्लाइड, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो चलो अभी ग्लास वॉक करते हैं और यहाँ से भाई व्यू दिखाऊँ आपको मैं, बात तो कर रहा हूँ, ये देखो व्यू देखो आप। ओ बाबे कितनी हाइटते हैं अपा। तो भी बात करते करते हम आगे हैं यहाँ पे ग्लास वॉक, ये होती है ग्लास वॉक, ये ग्लास वॉक, बैठे रहो फोटो क्लिक करते रहो वीडियो बनाते रहो। तो चलो बनाते हैं थोड़ी सी रील वगैरह, यहाँ पे व्यू देखो यहाँ से, ये है ग्लास वॉक। बस ये दिखा रहे हैं, इन्होंने साइंस ले करवाया है, बाई चांस भगवान ना करे टूट गया तो काम हो जाना है, नीचे पड़ने जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नीचे भाई। सही है ना, बस ये कांच की गेम है सारी।
से व्यू दिखेगा ना तो ये सामने बुर्ज खलीफा दिखेगा और ये चोटी इसकी। यार कितना बड़ा मॉल है, देख रहे हो ये सारा मॉल है। यहाँ का कुछ कुछ हो गया है, अब हम जा रहे हैं एज वॉक करने के लिए। 6:20 का बोला था, 6:15 होने वाले हैं, 12 हो गए। तो चलो ऐसे ना होना यार, 6:20 पे हम पहुँचे वो बोले कि भाई अब अगले बैच में जाना, इसलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट निकलते हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी हम चले जाएँ, बेस्ट रहेगा ना। ये नीचे भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिए भाई। ये कुछ लिया है पहनने के लिए, ये पहन के निकल रहे हैं, ठीक है। सेफ्टी के लिए। अब बाकी तारे तुरे बांधेंगे वो भी दिखा दूंगा मैं आपको जैसे भी होगा, ठीक है। देखते रहना, बने रहना। अब जो होते नहीं बिल्डिंग साफ करते हैं शीशे बंदे लेबर जाके, वैसे मैं करूंगा अभी जाके। देखना मेरे को लगा ये सारी की सारी लाइन ना वहां पे जा रही है हमारे साथ ही एज पे, लेकिन ये सारे सिर्फ स्लाइड के लिए जा रहे हैं, एज के लिए हम ही हैं कुछ कुछ 3-4। चलो लेबर रेडी है भाई, एंट्री हो गई हमारी। ये सेफ्टी के लिए लगा रखे इधर भाई, बहुत कुछ दिस इज फॉर सेफ्टी। अच्छा ये भी लगाते हैं फिर, ये रस्सी सेफ्टी के लिए ज्यादा होती है। सिर्फ हम ही 5-6 लोग हैं करने वाले। कह रहे जैसे घबराहट होगी ना बता देना, होंठ अगर सूखेंगे मुंह सूखेगा कांपेंगे तो बता देना, वापस ले आएंगे तुम्हें बाहर। ओ भाई आराम आराम से चलेंगे व्यू देखते हुए। ओ यार एज, ओ रात को, ओ भाई, ओ बिल्कुल एज पे हैं हम। पैर नीचे भी जा सकता है रात में, बस यही थोड़ा दिक्कत है। बिल्कुल देखो डर तो लग रहा है यार हल्का हल्का, लेकिन बहुत हाइट पे होना बहुत ज्यादा, इसके सहारे पे खड़ा हूँ। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है ऊपर जाने का, सबसे इजी वाला, सबसे इजी तरीका है। यहाँ से निकाल, ओ देखिए अच्छा, अगर खींचोगे ना इसको तो गाड़ी की बेल्ट जैसा है वहीं पे अटक जाएगा, लेकिन आराम से खींचोगे तो आ जाएगा मक्खन की तरह। नहीं किनारे पे चल रहे हैं, दुबई पूरा एक्सप्लोर हो रहा है, देख रहे हैं दुबई। पता नहीं वीडियो कैसी आएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन सच में यार मैंने ये सोचा था कि मैं ना दिन में बनाऊंगा वीडियो, बहुत अच्छी बनेगी। ओ भाई साहब यार, शेर वाला बब्बर, शेर वाला दिल रखो। मैं ऐसे उल्टा हो जाऊँ ना, हो जाओ भाई, बस ज्यादा उल्टा नहीं होना यार। सुनो कि पूरा ठीक है। भाई साहब यार रोड क्या प्यारी लग रही है, ये है व्यू। बहुत मजा आया भाई जान ने करवाया। भाई आपका नाम क्या है? नाम तो नोमान। नोमान नोमान भाई ने करवाया यार, बहुत ही मजा आया। चलो ठीक है, बाय बाय दुबई, ऊपर से देख लिया। फील था यार। चलो भाई ये हो गया डर, अभी मुकुट वगैरह भाई को दे रहे हैं, फोन भी दे रहे हैं क्योंकि फोन कवर में था ना। ये लो भाई जान फोन। अब यहाँ से निकल रहे हैं सारी की सारी, जितनी भी एक्टिविटी थी नबेड़ के। इन्होंने पिक्चर ली हुई थी, रोक लिया, कह रहे पिक्चर ले लो। मैंने कहा हाउ मच for one picture ke 150 dirham, mai no loading sunland di, bahut badhiya experience tha yaar, matlab acha tha, dar nahi laga bilkul bhi. To chalo hum is hotel se nikal rahe hain edge walk karne ke baad hum fir se aage mall mein, humne kaha kuch khaya piya bhi jaye yahan pe aur thoda sa ghoom liya jaye. Tara ye makdi hai ya machhar hai?
पता नहीं भाई क्या है, ये बनाया गया हुआ ये नहीं समझ आ रहा मेरे को तो। अभी हमें एप्पल के स्टोर पे, नीचे वॉचेस का एरिया है, ऊपर सारे फोन्स हैं। तो हम घड़ी देखने के लिए आए हैं कि इसके जो अपर वर्जन आया वो कैसा है। जो हम वॉच देखने आए थे यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है यार। सब्जी मंडी लगी हुई है यहाँ पे, तो सब्जी मंडी देखना अवेलेबल नहीं है यहाँ पे भी घड़ी। अमीरी ये मॉल ऐसा है, थोड़ा जल्दी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस पता है ना इतना बड़ा है और चलना पड़ेगा, थोड़ा सा चलते हैं फिर थक जाते हैं यार। क्यों पता है यार, इतनी दूर जाना पड़ेगा, इतनी दूर जाना। उस दिन हम नीचे से आए थे ये फाउंटेन के पास, आज हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। घूमते घूमते पता ही नहीं लगता कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। भाई घूमते घूमते आ गए अपने बीकानेर वाले पे। स्पेशल नवरात्रि थाली भी चल रही है यहाँ पे। चलो मैं तो खैर कुछ खाता हूँ अपना, कुछ देखते हैं यहाँ से। विदाउट एडिंग गार्लिक मिल जाएगा, ट्राई करते हैं कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं यार, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे घूमते हुए। मैंने ज्यादा नहीं कुछ ऑर्डर किया, बस दाल मखनी, रोटी, दाल कचौरी और छाछ, बस। निकलते हैं अभी यहाँ से, बहुत खा पी लिया, पेट पूजा हो गया दबा के। और भाई टाइम देखना, 11 बज गया। हम घर से निकले हुए हैं 4:30, पता नहीं 5 बजे निकले। स्टोर ऑलमोस्ट बंद हो गए, ऑलमोस्ट क्या सारे बंद हो गए, बस कुछ कुछ खुले हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से, हम भी आते हैं पूरी अटेंडेंस लगा के सबकी ना, तभी भेजते हैं सबको। निकलने का नाम ही नहीं लेते जब तक भूख नहीं लगती, तब तक लाइए भी बंद पड़ा। बस मेरे को यही होता है, मैं रात को एडिटिंग करूंगा वो लेट हो जाऊंगा, एडिटिंग के चक्कर में 2:30, 3, 4 भी बज जाते हैं यहाँ पे। भाई लॉक ऐसे ही करके जाते हैं, बस ये कांच का ही होता है सब कुछ लगा होता है, होगा कुछ मतलब ये अनब्रेकेबल होगा, बट यहाँ पे चोरियां वगैरह नहीं होती, तो ऐसे दिखा के जाते हैं। सब कुछ देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट क्लोज है डोर, ऑलमोस्ट जा नहीं सकते, क्लोज ही हो रहा है। जितने होंगे अंदर कस्टमर वो बाहर आ रहे हैं, बस बंद करवा के जा रहे हैं ये मॉल अभी। वैसे ये है बच्चों के लिए, हैंडीकैप के लिए, लेकिन खोल लेते हैं ऐसे, कहीं नहीं कचरा मिलेगा आपको, इतनी पार्किंग भी साफ है इनकी। तो देखो ये जो कोना था ना, इधर से आए थे हम, ये जो पहले वाला कोना है, इधर से होके घूम के ऐसे गए थे हम। अभी हम आए हैं मीना बाजार, क्योंकि इसके बिना तो भाई इंडियन अधूरे हैं सच में। अगर मीना बाजार नहीं होता ना, तो आधे इंडियन दुबई में नहीं रहते, क्योंकि मीना बाजार में वो चीज़ें मिल जाती हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, वो सारी मीना बाजार में मिल जाती हैं। तो हम ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक कांच वाली लेने लेके आए हैं। देखो यहाँ पे गाड़ी खराब हो जाती है ना, तो ये आइसेटो होती है, आवन निकलता है, ये उल्टा बैठा है। चलो मीना बाजार सामान लेने के बाद हम आ गए अपनी सुपर मार्केट। मैंने कहा पानी भी ले जाते हैं यार, वैसे था, मैंने कहा ले जाते हैं क्योंकि ब्रेड भी लेनी थी, तो वो भी ले जाते हैं और दूध भी ले जाते हैं। ठीक है, देखो ब्रेड ले लिए, पॉपकॉर्न ले लिए, दूध ले लिया, दूध इनके पास वो वाला था नहीं, एक ही पैकेट था, तो मैंने एक ही पैकेट ले लिया। मैंने कहा चलो कुछ तो काम चलेगा। तो भाई चलो अब चलते हैं यहाँ से होटल में, गाड़ी हमने पार्क कर दी थी तो यहीं से आ गए। यार ब्रेड भी ना इनकी देखनी पड़ती है कि विदाउट एग है, क्योंकि हर ब्रेड में एग है, तो बस वही देख के लेनी पड़ती है। पहुंच गया हम घर पे, बस अब एडिटिंग पे बैठूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, मेरी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।